सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राज ज्ञानी और आप देख रहे हैं द करेंसी पीडिया चैनल का साप्ताहिक वीडियो #AskTCP। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके द्वारा पूछे गए ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने की। आइए शुरू करते हैं। उत्कर्ष पांडे जानना चाहते हैं 1 रुपीज सिल्वर कॉइन 1906 जॉर्ज फिफ्थ की प्राइस। उत्कर्ष जी, जॉर्ज फिफ्थ का पहला कॉइन 1911 में आया था। 1906 में एडवर्ड सेवंथ के कॉइन बनते थे, तो हमारे हिसाब से 1906 जॉर्ज फिफ्थ कॉइन की प्राइस 0 रुपए है। जॉयन डीसा जानना चाहते हैं खुद के कॉइन एल्बम बनाए हैं और नोट फोटो के एल्बम में रखने पे खराब तो नहीं होंगे, और थम वाला जो 1 रुपए का 2011 का कॉइन है वो कॉस्टली है क्या। जॉयन जी, मैंने एक वीडियो में कहा था कि 2011 में बड़े व छोटे दोनों कॉइन बने हैं, तो आगे जाकर 2011 के कॉइन महंगे हो सकते हैं, क्योंकि कुछ सालों बाद FSS धातु की प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो ज्यादातर बड़े कॉइन गला दिए जाएंगे और जैसे जैसे बड़े कॉइन मार्केट से आउट होते जाएंगे इनका प्राइस बढ़ता जाएगा। आज की तारीख में 2011 बड़ा कॉइन कलकत्ता मिंट की प्राइस लगभग 20 रुपए हो चुकी है। और आपने कहा है कि आप नोट फोटो वाले एल्बम में रखते हैं, तो प्लीज आप ऐसा न करें। मैं इसके पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि नोट रखने के लिए अलग स्लीव आती है और उसके एल्बम भी अलग होते हैं, वो अलग मटेरियल के बने होते हैं ताकि उसमें आगे जाके मॉइस्चर वगैरह से नोट चिपके नहीं। नॉर्मल एल्बम में यदि आप नोट रखेंगे तो 10-20 सालों बाद उसमें वो नोट हमेशा के लिए चिपक सकता है और आपका नोट वो खराब हो जाएगा। और सिक्कों के लिए भी अलग से होल्डर आते हैं, आप उन फोल्डर में सिक्के रखें, और नोट के लिए भी आप स्लीव मंगा सकते हैं। मैं कई बार एड्रेस दे चुका हूँ, फाल्कन कॉइन गैलरी वालों से आप बात कीजिए, उनका नंबर भी देता हूँ मैं हर बार। और सबसे बड़ी बात, आप यदि उनको मेरा नाम बोलेंगे तो आपको 10% का स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा, और ये आपको घर पहुँचा के डाक द्वारा सभी चीज़ें अवेलेबल कराते हैं। तो आप किसी भी तरह के एसेसरीज, नोट या सिक्के चाहिए तो आप फाल्कन कॉइन गैलरी वालों से संपर्क कर सकते हैं। लगेज अनबॉक्स इजाबेल आइलैंड के लिए आप प्लीज #AskTCPI लिखकर द करेंसी मीडिया इंटरनेशनल से पूछिए, वहां आपको करेक्ट जानकारी मिलेगी। जोएल सिंह जानना चाहते हैं 1 रुपए के कितने अलग अलग सेक्रेटरी साइन नोट हैं। जोएल सिंह जी, अभी तक 30 अलग अलग सेक्रेटरी साइन नोट आ चुके हैं। अमित कुमार जानना चाहते हैं कॉपर निकल कॉइन की प्राइस ज्यादा क्यों होती है। अमित जी, मेरे ख्याल से आप 5 रुपीज कॉइन की बात कर रहे हैं, जिनमें FSS व कॉपर निकल कुछ कॉइन दोनों धातु में बने हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा बशेश्वर, जगत गुरु श्री नारायण गुरुदेव, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि, तो इनकी प्राइस ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि ये FSS में ज्यादा बने हैं व कॉपर निकल में कम बने हैं। और कोई भी कलेक्शन पूरा तभी माना जाता है जब उसमें सभी सिक्के हों, यदि एक भी सिक्का कम होता है तो आपका कलेक्शन अपूर्ण होता है, इसीलिए कॉपर निकल की डिमांड ज्यादा होती है और प्राइस भी। तोहित जी, 10 रुपए के मोर वाले नोट 5 गवर्नर की साइन में आए थे, जिसमें एस जगन्नाथन 100 रुपीज, के आर पुरी 150 रुपीज, एम नरसिंहम 350 रुपीज, आई जी पटेल 125 रुपीज, मनमोहन सिंह 75 रुपीज के लगभग प्राइस चल रही है। सिमरत कौर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 5 रुपीज कॉइन 2014 में लॉन्च हुआ था, इसे देश की चारों मिंटों में डाला गया था, सभी कॉमन कॉइन है, यूएनसी कंडीशन में इनकी प्राइस है 10 रुपए, परंतु हैदराबाद का थोड़ा महंगा है, लगभग 50 रुपए। प्रदीप जी, आपके पास कॉमन सेमी फैंसी नंबर नोट हैं, इनकी कोई खास प्राइस नहीं होती, आपको अपने स्तर पर जो भी डायरेक्ट बायर मिले तो बस वही आपकी कमाई होती है। गौरव नाथानी जी, हमारा गिव अवे चल रहा है, द करेंसी पीडिया इंटरनेशनल को सब्सक्राइब करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और बीच में आप सभी के लिए एक सलाह है मेरी तरफ से, मैंने एक वीडियो बनाया था एक बुक के बारे में,
लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कृपया हो सके तो इस वीडियो को जरूर देखें। यदि आप पहले देख चुके हैं तो भी दोबारा देखें, पूरा देखें, शुरुआत से लेकर आखिर तक देखें, बगैर स्किप करके देखें और फिर मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपने क्या समझा और क्या सीखा। आकाश जिंदल जी, आप रुपीज किंग जॉर्ज 1940 लगभग 175 रुपए से 300 रुपए के बीच चल रहा है। अभिमन्यु त्रिपाठी जी, फिशरीज क्वाइन 50 पैसा हाई रुपए से स्टार्ट हो जाता है, हाईएस्ट वैल्यू 50 रुपए है हैदराबाद मिंट की। आशीष चंचलानी वाइंस जानना चाहते हैं 100 रुपीज सीडी देशमुख बैक साइड ईगल नोट की वैल्यू। बैक साइड ईगल नोट 100 रुपीज सीडी देशमुख, यह एक फेक नोट है, ऐसा कोई नोट आरबीआई ने कभी भी जारी नहीं किया है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे देखने को कि ये ओरिजिनल है और ये फेक है, तो वो सारे ही फेक है, ऐसा कोई नोट आरबीआई ने जारी नहीं किया है। फेक नोट की वैल्यू खरीदने वाले के ऊपर डिपेंड करती है, उसको कितनी जरूरत है, उस नोट से कितना प्यार है, उतनी वैल्यू दे सकता है। यदि मेरे से उसकी वैल्यू पूछे तो मेरी नजर में उसकी वैल्यू जीरो है। अंत में इस वीडियो का सबसे अच्छा सवाल सोहम हिट्टे की तरफ से, हाउ टू आइडेंटिफाई ओरिजिनल शिवराई कॉपर कॉइन। सर, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और मेरे पास कुछ शिवराई रखे हुए हैं, लेकिन वो कहीं और रखे हैं, मैं वहां से लेके आऊंगा और इस पे एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, तो बहुत ही जल्द आपको पूरी डिटेल के साथ शिवराई के बारे में जानकारी दूंगा। कृपया बने रहे हमारे साथ और इंतजार कीजिए हमारे आगे आने वाले वीडियो का, जिनमें मैं शिवराई के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से दूंगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपके मन में भी हो कोई नया सवाल तो लिख भेजिए हमें #askTCP के साथ। हम कोशिश करेंगे रविवार तक प्राप्त ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब देने की आने वाले बुधवार को। और हाँ, हमारे नए चैनल द करेंसीपीडिया इंटरनेशनल को जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक द करेंसीपीडिया इंटरनेशनल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे भी कर लीजिए, अभी मौका है। द करेंसीपीडिया इंटरनेशनल पर अभी गिव अवे चल रहा है और जैसे ही हमारे प्रथम 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे हम उस गिव अवे का रिजल्ट घोषित कर देंगे, तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी पार्ट ले पाए, हो सकता है इस बार के विजेता आप ही हैं। तब तक आप हमारे वीडियो देखते रहिए और दिखाते रहिए, साथ ही मुस्कुराते भी रहिए क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं। जय हिंद, जय भारत।